खातेगांव नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव के पिता स्वर्गीय दयाशंकर यादव अपने समाज सेवा के कार्यों के कारण मंजू नाना के नाम से विख्यात रहे। उनकी 20वीं पुण्यतिथि पर शहर भर के लोगों ने उन्हें याद किया। खातेगांव नगर की एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने जीवन काल में करीब 2 दशक पहले तक अपनी सक्रिय राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और खेल गतिविधियों से लोगों के मन में गहरी पैठ बनाई, वे शख्सियत है नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव के स्वर्गीय पिता दयाशंकर यादव, जो कि मंजू नाना के नाम से भी विख्यात हैं। उनकी 20वीं पुण्यतिथि पर नगर के सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने शासकीय अस्पताल में मरीजों को फल, दूध जैसी सामग्रियां वितरित की और श्रद्धांजलि सभा के बाद वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नर सेवा, नारायण सेवा और मानव सेवा, माधव सेवा, इस पंक्ति को स्वर्गीय दयाशंकर यादव मंजू भैया ने खातेगांव में चरितार्थ किया है। दयाशंकर जी यादव जिन्हें लोग मंजू नाना के नाम से जानते थे, उनकी 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस परिवार और नगर के सभी वरिष्ठ गणों की ओर से अस्पताल में फल वितरण किया गया और पुण्यतिथि मनाई गई। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना आज भी कांग्रेस के लोग, पुराने लोग ये कहते हैं कि जो मंजू दादा नाना थे वो सदैव निष्पक्ष काम करते थे। पार्टी के बंदे जरूर थे पर पार्टी के पहले वो वास्तविकता देखकर लोगों की मदद करते थे और इसीलिए क्षेत्र में लोकप्रियता की उन्होंने शिखरता प्राप्त की थी। भारतीय संस्कृति में कहा गया नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव की सेवा। उक्त पंक्ति अगर कहीं पर चरितार्थ होती है तो वो खातेगांव नगर में स्वर्गीय मंजू नाना जी के जीवन पर चरितार्थ होती है। उनकी त्याग, तपस्या, सेवा और परिश्रम को हम सब ने बहुत पास से देखा है। जैसा कि वक्ताओं ने बताया, कहीं भी विवाद की स्थिति हो, शख्स की ये खूबी थी कि किसी भी विवाद को बड़ी सरलता के साथ हंसते हुए निपटा देते थे और दोनों विवादास्पद परिवारों को संतुष्टि प्रदान उनके जाने से हो जाती थी। उनके बारे में हम क्या बताएं, मतलब सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। उनके बारे में जो भी बताएं, हर विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति उनको याद करता था और वो तुरंत हाजिर हो जाते थे और हर संभव उसकी मदद करते थे। वो कई बार ग्रामीण क्षेत्र में भी, कई गांवों में जब विवाद की स्थिति बनती थी तो वो यहाँ खातेगांव जाते थे और बराबर उसके समाधान करके वो आते थे। कई बार हमने देखा, हमने आंखों से देखा हमने कि विवाद की स्थिति बनती थी, नाना जाते और उस विवाद को ख़त्म कर देते थे। एक ऐसे शख्सियत की पुण्यतिथि है जो खातेगांव नगर ही नहीं, समूचे क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। मंजू नाना के नाम से राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में अपना नाम का सानी बनवाने वाले हम सबके श्रद्धे आदरणीय मंजू नाना की आज पुण्यतिथि है। और आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आदरणीय मंजू नाना ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमेशा खातेगांव नगर, खातेगांव क्षेत्र को महत्व दिया। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल का कोई भी सदस्य रहा हो, कोई भी कार्यकर्ता रहा हो, उसके सुख और दुख में हमेशा मंजू नाना अग्नि रूप से खड़े रहते थे। उसकी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे और यही कारण है कि आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के और भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। उनके जैसा आदमी खातेगांव में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने जैसा मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस पीढ़ी में कोई भी नहीं है। उनका सुपुत्र उस लाइन के ऊपर चल रहा है जिसका नाम सुनील झब्बू यादव है। मैं उसको अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो उनके पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। ये तारीफ काबिल थी। खातेगांव के अंदर जब भी कोई किसी प्रकार की दुर्घटना या विवाद वाली परिस्थिति बनती थी तो दयाशंकर जी यादव को विशेष रूप से बुलाया जाता था और वो खातेगांव में न्यायपूर्ण तरीके से उस काम को अंजाम देते थे ताकि किसी भी पक्ष विपक्ष में विवाद की स्थिति पैदा नहीं हो। ऐसी महान शख्सियत के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।